आईपीएल 2020 के सीजन का 48वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला गया, जिसमें मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 5 विकेट से हरा दिया। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 164 रन बनाए। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही। क्विंटन डिकॉक 18 रन तो ईशान किशन 25 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने शानदार अर्धशतक भी लगाया। उन्होंने 43 गेंद पर 10 चौके और 3 छक्कों की मदद से 79 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं हार्दिक पंड्या ने भी 2 शानदार छक्के लगाए और 15 गेंद पर 17 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई इंडियंस ने 19.1 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। इसी के साथ मुंबई प्लेऑफ में पहुंच चुकी है और पॉइंट्स टेबल में मुंबई पहले और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर दूसरे स्थान पर अभी भी कायम है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की शुरुआत अच्छी रही। ओपनर देवदत्त पड्डिकल और जोश फिलिपे ने पहले विकेट के लिए 73 रनों की साझेदारी करी और फिलिपे ने 24 गेंद पर 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 33 रन बनाए। कप्तान विराट कोहली 9 रन बनाकर सस्ते में ही चले। एबी डिविलियर्स भी 12 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं क्रिस मॉरिस भी कुछ खास नहीं कर पाए और 4 रन बनाकर जेम्स पैटिनसन की गेंद पर बोल्ड हो गए। बेंगलोर की ओर से देवदत्त पड्डिकल ने शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने 45 गेंद पर 12 चौके और 1 छक्के की दम पर 74 रन बनाए। पिडक्कल की दम पर ही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 164 रन बनाए। तो वहीं मुंबई इंडियंस की ओर से जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के 3 विकेट भी चटकाए। ऐसे ही लेटेस्ट स्पोर्ट्स अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। न्यूज और क्रिकेट का एक्सक्लूसिव डोज हर रोज, अभी सब्सक्राइब करिए TV9 भारतवर्ष का YouTube चैनल। लॉग ऑन करें IPL2020.TV9BharatVarsh.com पर, जवाब दीजिए आसान से सवालों का और जीतिए ढेर सारे इनाम हर रोज। पैनासोनिक इंडिया खास बासमती राइस और पी सेफ के गिफ्ट हैम्पर्स।